हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच नूरपुर जोन जिला कांगड़ा इकाई की बैठक मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया की अध्यक्षता में हिमाचल परिवहन मंडली कार्यशाला जसूर के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में प्रत्येक माह की पहली तारीख को पेंशन की अदायगी करने पर प्रदेश सरकार व प्रबंधक निर्देशक का धन्यवाद किया। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश निर्देशक एवं प्रदेश सरकार के विरुद्ध 1/1/2016 से देय भत्ते न देने पर प्रत्येक वक्ता ने रोष भी प्रकट किया। प्रदेश के उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया ने कहा कि आज हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों कल्याण मंच की मासिक बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कर्मचारियों ने अपने अपने विचार रखे। प्रदेश सरकार व प्रबंधन निर्देशक के प्रयासों से हमें जो समय पर पेंशन दी गई है उसको लेकर हम धन्यवाद करते हैं और इसके साथ ही सभी कर्मचारियों के जो 1/1/2016 से देय भत्ते बकाए हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उसको लेकर सभी कर्मचारियों द्वारा इस बात को लेकर रोष भी प्रकट किया गया और सरकार को इस बात को लेकर चेताया गया कि अगर हमारे देय भत्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा तो सरकार इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच नूरपुर जोन कांगड़ा इकाई की मासिक बैठक जो है वो HRTC के मंडलीय कार्यशाला के प्रांगण में संपन्न हुई है। सर्वप्रथम आज बैठक में मुख्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे व जो सप्ताह के पहले दिनों में जो सरकार व निगम प्रबंध निदेशक महोदय के प्रयासों से हमें पहली तरीक को जो पेंशन व तनख्वाह का प्रावधान किया जा रहा है उसका हम प्रबंध निदेशक हिमाचल परिवहन निगम एवं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। वहीं आज विशेष रूप से वक्ताओं द्वारा रोष प्रकट किया गया है कि 1/1/16 से देर जो हमारे भत्ते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, सरकार व निगम प्रबंधन उनके ऊपर गौर नहीं कर रहा है। हमारा ये रोष भी है और हम चेताना भी चाहते हैं कि हमारा जो 1/1/16 के बाद के देय भत्ते हैं इनका भुगतान जो है वो यथाशीघ्र कर दिया जाए, अन्यथा सरकार जो है इनके गंभीर परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए कांगड़ा ब्यूरो से संजीव महाजन की रिपोर्ट।